So hello students, today's lecture is on semiconductor physics and it is second lecture on this. Earlier you have learnt about what is a p-type semiconductor, what are types of semiconductor. Now in this lecture we'll learn about p-n junction diode, diffusion process taking place in the diode, depletion layer which is formed in diode, how it is formed, then barrier potential developed across the diode, and the biasing of diode. So let's start initially with the p-n junction diode. Ab jaise naam se clear hai p-n, so it is made up of two semiconductors, that is one is p aur ek hai n. So p aur n ko join karne se आपके पास डिवाइस बनता है, दैट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड. तो पी में, एज यू नो कि पी में क्या होता है, पी में देर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स. तो ये हमारे पास बहुत सारे होल्स हैं और एंड फ्यू आर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन है दैट आर माइनॉरिटी कैरियर्स. तो ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में एंड बहुत ज़्यादा होते हैं होल्स. तो होल्स बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है. और एन में क्या रहता है, एन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं. तो ये डॉट्स जो हैं, ये डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और जो ये मैंने ज़ीरो डाला है तो दैट मीन्स होल, ये होल है. तो इसमें आप देख रहे हैं होल बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है. तो ये पी और एन को ज्वाइन करने पर जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड या सिंपली डायोड. डायोड इसलिए भी कहते हैं बिकॉज इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक यहाँ पे एक वायर होती है और एक यहाँ पे वायर होती है. तो इसलिए इसका नाम डायोड है. डायोड मीन्स टू टर्मिनल्स. इस डायोड के काफ़ी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं. तो वन इम्पॉर्टेंट यूज इज इट इज यूज एज ए रेक्टिफायर, विच मीन्स, जिसका मीनिंग होता है कि इट कैन कन्वर्ट ए सी वोल्टेज इन टू द डी सी वोल्टेज. ये ए सी को डी सी में कन्वर्ट कर देता है. ओके, now let's learn what happens when p and n type semiconductors are joined. jab inko join karte hain to hota kya hai, kaun sa process hota hai, kya hota hai. so let's understand that. ab jaise p mein maine aapko bataya ki p mein holes bahut zyada hai aur n mein electron bahut zyada hai. jaise inko join karte hain to join inko karne ke liye p type semiconductor ko melt karke एन टाइप सेमीकंडक्टर में डाल देते हैं. तो ये वैसे सॉलिड फॉर्म में है बट ऐसे ज्वाइन नहीं होंगे, और अगर हम ज्वाइन कर भी देते हैं तो ये डायोड का पर्पज नहीं पूरा करेंगे. सो इसलिए इनको मेल्ट करके डालना पड़ता है. पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप को मेल्ट करके डालना पड़ता है, तो एक लेयर बन जाती है, तो उससे बनता है पी एन जंक्शन डायोड. अब जैसे ये ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पी की तरफ दौड़ते हैं ऐसे. तो दे रश टूवर्ड्स द पी साइड, पी की तरफ जाते हैं, और जो पी के होल्स हैं वो एन की तरफ जाते हैं, और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं. जंक्शन, ये लाइन जो है सेंटर जो ज्वाइन कर रही है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन. तो जंक्शन पे आने के बाद ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं. अब जो जैसे ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल मिलके बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है. तो बॉन्ड कंप्लीट होने से जब ये बॉन्ड बन जाता है तो क्या होगा, अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इस प्रोसेस को, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं जो होल्स इधर आते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन प्रोसेस. तो दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस. अब जैसे ये डिफ्यूजन होती है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो एटम पे कौन सा चार्ज बचेगा, तो एटम पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज. तो ये हमारे पास एन की साइड पे पॉजिटिव चार्ज कम्बुनेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. और पी से जैसे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए तो यहाँ पे जंक्शन के क्रॉस हमारे पास एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाएगी. जो एटम होते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये आयंस होते हैं, तो ये यहाँ पे एन साइड पे जंक्शन के पास पॉजिटिव लेयर बन जाती है और पी साइड पे नेगेटिव लेयर बन जाती है आयंस की.
अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव लेयर, ये वाली नेगेटिव लेयर इनको स्टॉप करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल। इसी तरह से होल इधर आना बंद कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव लेयर जो है इनको अपोज करेगी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर है, और ये क्या होती है, इट इज अ लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर है नियर द जंक्शन एंड इज फ्री फ्रॉम एनी मोबाइल कैरियर्स। तो इसमें कोई भी मोबाइल कैरियर नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी मोबाइल कैरियर्स। तो मोबाइल कैरियर्स कौन से हैं, मोबाइल कैरियर्स या तो इलेक्ट्रॉन हैं या होल्स हैं जो मूव कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मोबाइल कैरियर्स। जो आयंस हैं ये मूव नहीं करते, तो ये आयंस यहीं पड़े रहेंगे, ये नेगेटिव आयंस यहीं पड़े रहेंगे, ये मूव नहीं करते। सिर्फ इलेक्ट्रॉन या होल्स मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लाइट। ठीक है, अब ये जो पीएन जंक्शन बन जाता है, अब ये लेयर स्टॉप हो जाती है और ये बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। अब ये डायोड का ये सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पूरा इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है पी सेमीकंडक्टर है, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती है पी सेमीकंडक्टर को, और जो एन ये वाली लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट्स एन सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास बन जाता है पी एन। तो पी एन का ये सिंबल है, तो ये आपने याद रखना है, ये अगले वाली प्रोसेस में यूज होएगा। नेक्स्ट वी हैव द बैरियर पोटेंशियल। तो ये बैरियर पोटेंशियल कैसे बनता है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर पोटेंशियल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे एक लेयर बन जाती है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है और पी साइड पे नेगेटिव आइंस की एक लेयर बन जाती है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों ज्वाइन होके एक बैटरी की तरह काम करते हैं। तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, तो ये एक बैटरी बन जाती है। तो इस बैटरी को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। सो द पोटेंशियल जनरेटेड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर ऑफ आयंस। ये पॉजिटिव लेयर है, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ये नेगेटिव लेयर है, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो ये दोनों के ज्वाइन होने से एक बैटरी बन जाएगी, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। अब ये बैरियर क्यों रखा है इसका नाम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम चाहते हैं कि एन से वो पी में आए या होल्स पी से एन में आए, तो इनको इतना पोटेंशियल, जितना ये पोटेंशियल है इतना पोटेंशियल हमें देना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे या होल्स इधर आएंगे, अदरवाइज नहीं आ सकते। अब ये बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, ये वोल्टेज होती है, पोटेंशियल होता है। अब ये सिलिकॉन, अगर ये आपका सिलिकॉन का है, ये सेमीकंडक्टर जो इसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिलिकॉन है, तो फिर इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। और अगर ये जर्मेनियम का है तो इसकी वैल्यू होती है 0.74 वोल्ट। तो 0.74 वोल्ट है। अब नेक्स्ट आ जाता है बाइसिंग ऑफ डायोड। डायोड, अब ये डायोड है, अब ये वर्क नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा बैटरी कनेक्टेड नहीं की है, तो इट इज नॉट वर्किंग। अब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ रहे, होल इधर नहीं आ रहे, तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसको करंट फ्लो करने के लिए, इसको यूज करने के लिए वी कनेक्ट सम बैटरी अरेंजमेंट। तो हम इसमें कोई बैटरी अरेंजमेंट लगाते हैं ताकि जो करंट है वो फ्लो करे। अब इस करंट जो बैटरी अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। नाउ हाउ इट इज डन, या कितनी तरह की है, तो ये दो तरह की है, दो तरह से हम इसको बैटरी लगा सकते हैं। तो एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा है रिवर्स बायसिंग। तो दो तरह की बायसिंग होती है, वन इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड अदर इज रिवर्स बायसिंग। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है जब पी सेमीकंडक्टर को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप ज्वाइन करते हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एन को ज्वाइन करते हैं विद अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो ये बायसिंग बन जाती है फॉरवर्ड बायसिंग। सो पी लेयर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग बन जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग क्या है,
रिवर्स बायसिंग कैसे बनता है? तो रिवर्स बायसिंग में जब हम पी को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से और एन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव उल्टा कर देते हैं, तो फिर हमारे पास बन जाता है रिवर्स बायसिंग। तो पी को कनेक्ट करना है नेगेटिव से, एन को कनेक्ट करना है पॉजिटिव से, तो हमारे पास कौन सी बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग। अब ये इसका इफेक्ट क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, तो लेट्स सी। तो इसमें मैंने एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाया है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पी और ये एन है, पी में होल्स हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा। तो जब हमने पी को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, एन को कनेक्ट किया नेगेटिव से, तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। अब इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और ये इलेक्ट्रॉन इनको पुश कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। किधर को पुश कर रहे हैं? टूवर्ड्स द जंक्शन, ये जंक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं। अगर हमारी वोल्टेज ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा आएगी और ये जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे और ये क्रॉस करके पी में पहुंच जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये होल्स को इधर को पुश कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसको क्रॉस करने के बाद ये होल के साथ मिल जाते हैं, पी रीजन में होल के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलते हैं तो क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल मीट, तो ये बॉन्ड फॉर्म होता है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है एनर्जी। अब ये एनर्जी जो निकलेगी इसमें, तो वो फर्दर कुछ बॉन्ड तोड़ देगी, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें से बाहर आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे, ऐसे उतने ही फिर इलेक्ट्रॉन द्वारा फिर यहाँ से ऐसे आके तो ये वापस इधर फिर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे, ब्रेक करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे और एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ निकलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का सर्किट कंप्लीट हो गया, जो कि एंटी क्लॉकवाइज में है, तो करंट इट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इसके इफेक्ट क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एक तो जो डिप्लेशन लेयर है, ये वाली जो डिप्लेशन लेयर है, इसका साइज कम हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर थोड़े पुश हो जाते हैं और होल इधर, तो इसका साइज कम हो जाता है। ये जो सेंटर में मैंने लेयर बनाई है ये वाली, तो इसका जो साइज है वो कम हो जाता है, इसकी विड्थ कम हो जाती है। दूसरा, कंडक्शन जो होती है वो मेजॉरिटी कैरियर के कारण होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इधर को मूव करते हैं, होल इधर को मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, मेजॉरिटी कैरियर। पी में क्या है, मेजॉरिटी, तो ये दोनों के कारण जो करंट फ्लो होता है, सो मेजॉरिटी कैरियर के कारण। और इस तरह से अगर फॉरवर्ड बायसिंग की है आपने, तो इस टाइप का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होता है, लो रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट अच्छा आएगा। तो इस डिवाइस का जो अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, मींस करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। नेक्स्ट इज रिवर्स बायसिंग, तो लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायसिंग, या कैसे करता है एक्चुअल में। तो रिवर्स बायसिंग में यू नो कि पी को हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से और एन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, तो पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। अब क्या होता है, अब ये वाला पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को, इधर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव है ये होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज जो होल्स पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये जो सेंट्रल रीजन है, ये वाली लाइन है, जो जंक्शन है, जंक्शन से दूर चले जाएंगे, और ये अगर दूर चले जाते हैं तो डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, तो डिप्लेशन लेयर और वाइड हो जाती है। सो इसमें मेन क्या, तो डिप्लेशन लेयर अगर विड्थ बढ़ जाती है तो इसमें कंडक्शन और भी कम हो जाएगा और बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा देन।
अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो पी के अंदर मन्योरिटी हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे इस नेगेटिव के कारण फोर्स लगेगी और वो यहाँ क्रॉस करके इधर पहुंच जाएंगे और होल्स के साथ मिल सकते हैं, बट ये बहुत कम होते हैं, तो इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन होल मिल जाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये पॉजिटिव में जाएंगे और थोड़े से इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, तो इसमें जो करंट बनेगा इसमें, बट वो हाई वोल्टेज पे बनेगा और लो वोल्टेज पे नहीं बनेगा। तो जो करंट होगा वो बहुत कम होगा, मन्योर दैट विल बी ऑलमोस्ट इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में बनेगा करंट। सो इसमें क्या क्या होता है, सो लेट्स कंक्लूड। एक तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है वो बढ़ जाती है, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, डिप्लेशन लेयर और वाइड हो जाती है। देन रजिस्टेंस डायोड का हाई होता है, ज़्यादा रजिस्टेंस होता है इसलिए करंट इसमें कम आएगा, बहुत कम करंट आएगा, और जो इसमें थोड़ा बहुत करंट फ्लो भी करता है तो वो किसके कारण करता है, ड्यू टू मन्योरिटी कैरियर्स, मन्योरिटी, जैसे पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन में होल्स हैं, तो इन दोनों के कारण जो है करंट बनेगा, बट क्योंकि मिन्योरिटी कैरियर बहुत कम होते हैं इसलिए इसमें जो करंट बनता है वो बहुत कम बनता है, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट इज जनरेटेड, तो इसलिए इसमें जो करंट बनेगा बहुत कम बनेगा। और जनरली जो है रिवर्स बायस में डायोड डू नॉट वर्क, वर्क नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसे एक डायोड लगाता हूँ और यहाँ पे मैं सपोज एक बल्ब लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिवर्स बायस, ये पी है ये एन है, तो यहाँ पे मैं इसको रिवर्स बायस कर देता हूँ ऐसे, ये पी है तो नेगेटिव से कनेक्ट किया और एन है तो पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ये मेरे पास की है तो ये मैंने की को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा, ये ऑफ ही रहेगा, ठीक है। क्यों ऑफ रहेगा, क्योंकि ये करंट इसमें जो होगा बहुत कम होगा, वेरी वेरी स्मॉल करंट, या करंट होगा ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि इन इन द रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस डायोड डू नॉट वर्क, डायोड डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है डायोड, और रिवर्स बायस में बंद रहता है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो इसमें आपने क्या क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, और इसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, बैरियर पोटेंशियल, एंड देन यू लर्न अबाउट द बाइसिंग। तो बाइसिंग दो तरह की है, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग, और दोनों के अलग अलग कंक्लूजन्स हैं। जैसे कि फॉरवर्ड बाइस में आपने सीखा कि फॉरवर्ड बाइस में जो करंट होता है ज़्यादा होता है और उसमें डिप्लीशन लेयर जो है बहुत छोटी हो जाती है, थिन हो जाती है, और रिवर्स बाइस के केस में जो डिप्लीशन लेयर है वो बड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है और इसमें करंट कम हो जाता है, और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू मन्योरिटी कैरियर, और जो फॉरवर्ड बायस में करता है दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू वेरी मच।